بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي الحمد لله الذي لا مانع لحكمه ولا ناقض لقضائه والصلاه والسلام على سيد انبيائه وسند اوليائه واحبابه المعارضين لاعدائه اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا اسالكم عليه اجرا الا الموده في القربى ومن يقترف حسنه نزد له فيها حسنا صدق الله العلي العظيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى اله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلاة وسلاما عليك يا حبيب الله مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم فإن من جودك الدنيا ودرتها ومن علومك علم اللوح والقلم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم ثم الرضا عن ابي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم والآل والصحب ثم التابعين لهم اهل التقى والنقى والحلم والكرم الله تبارك وتعالى جل جلاله وعم نواله وآزم شانه وآتم برهانه کی حمد و ثنا حضور قائد المرسلین سید النبیین سید العالمین امام الاولین والآخرین جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کے بارگاہ اقدس میں ہدیہ درود و سلام کے بعد مکرم سامعین اہل اسلام یہ عظیم الشان کانفرنس مخدومہ کائنات سیدہ طیبہ طاہرہ سیدت نساء العالمین سلام اللہ علی ابیہا و علیہا آپ کے ذکر پاک کے لیے منعقد ہے اور یہ تاریخی مسجد حضرت شہنشاہ ولایت قبلہ مخدوم المشائخ پیر سید ولایت علی شاہ صاحب نقشبندی مجددی رحمت اللہ علیہ رحمت واسعہ آپ کے اسم گرامی سے مشہور اور آپ کے انفاس نفیسہ اس کی خوشبو اس کے ماحول میں موجود ہے آپ کے فرزند گرامی مجاہد ملت بطل حریت اہل سنت و جماعت کے عظیم سیاسی دینی روحانی پیشوا قبلہ پیر سید محمود شاہ صاحب گجراتی رحمت اللہ تعالی علیہ رحمتن واسعہ آپ کی
खिताबत और मरकजियत उसकी निस्बत और खुशबू इस जामे मस्जिद में मौजूद है और आपके जानशीन हजरत मखदूमुल मशाइख अल्लामा मौलाना साहबजादा सईद अहमद साहब गुजराती मुतज़िल्लुहू आपकी मौजूदगी में आपकी सरपरस्ती में ये कॉन्फ्रेंस इनेकाद पजीर है और आस्ताना आलिया मुकद्दसा अलीपुर शरीफ नारोवाल से हजरत अमीर मिल्लत रहमतुल्लाह ताला अलैह आपके खानवादा मुबारक के गुले सरसब हजरत साहबजादा सैयद हसान अहमद शाह साहब शिराजी मौजूद हैं और हजरत के साहबजादा सैयद सईद अहमद शाह साहब के फर्जंदे गिरामी सैयद हुसैन महमूद शाह साहब आप का खिताब भी आपने सुना और आस्ताना आलिया दौलत शरीफ से हजरत सैयद गुलाम मोहिउद्दीन शाह साहब आप भी रौनक अफरोज हैं और उनकी ज्यारत आप कर रहे हैं। मेरे साथ उलमा की एक जमात है जनाब अल्लामा सैयद सरवर हुसैन शाह साहब मूसवी जो नाज़ में आला हैं तहरीक अजमत आलो असहाब रसूल गुजरांवाला डिवीजन के आप उलमा की जमात के साथ हजरत अल्लामा खतीब अहले सुन्नत अल्लामा रियाज अहमद साहब जलाली और खतीब अहले सुन्नत नाज़िमे आला मरकज़ी जमात अहले सुन्नत हजरत अल्लामा फ़याज़ अहमद साहब जलाली दीगर उलमाए किराम जो हजरत शाह साहब की दावत पर यहाँ तशरीफ़ फरमाए सबकी खिदमत आलिया में दस बस्ता सलाम और तहियत अर्ज करता हूँ और मोहतरम हमारे बहुत ही सीनियर साथी हर लिहाज से अहले सुन्नत व जमात की महाफिल के अंदर एक बुनियादी किरदार अदा करने वाली शख्सियत मोहतरम खावर साहब बट साहब आपने अपने जज्बे अंदरून से जैसे आप हजरात के कुलूब अजान को गरमाया वो आपके सामने उनका तजर्बा उनकी मोहब्बत और ज़खीरे अल्फाज सबको चुनका अहले बैत अतहार की मिदहत के लिए वक्फ है। अल्लाह ताला उनको हर बीमारी से महफूज रखे मालिक ताला उनको सेहत व आफियत व सलामती के साथ दराज उम्र अता फरमाए। गिरामी कदर हज़रात ये जामे मस्जिद मरकजी मस्जिद है। मैंने अर्ज़ किया कि हज़रत शाह विलायत रहमतुल्लाह अलैह के अनफास नफीसा की खुशबू इसके अंदर मौजूद है और पाकिस्तान और मुत्तहिदा हिंदुस्तान की कोई भी ऐसी क़यादत हमारी तारीख की नहीं है जो हज़रत शहनशाह विलायत रहमतुल्लाह अलैह की मौजूदगी में तहरीक पाकिस्तान में या दीगर तहारीक में इस मरकज़ में तशरीफ़ न लाई हो। जितने लोगों पर तज़किरा अकाबिर अहले सुन्नत पूरा लिखा हुआ है उनमें अक्सरियत के साथ तमाम कायदीन वो हैं जो हजरत के बदौम करने पर यहाँ अंजमन खुदवा में सूफिया की ये तहरीक और तारीख है कि यहाँ गुजरात में तशरीफ़ लाएँ और बड़े बड़े असातीन बुजुर्ग हमारे महक्कीन जिनकी किताबें आज के नौजवान पढ़ते हैं और सब ढूंढते हैं कि कैसे महक्कीक थे वो अकीमुल उम्मत हो या शेखुल कुरान हो तो आपको हैरानगी नहीं होगी कि इस खिता पंजाब में वो आज गुजरांवाला की ज़मीन पर हो या गुजरात हो
यहाँ उनका वो रूप हजरत काजी अब्दुल सुभान साहब खजा बट्टी रहमतुल्लाह अलैह जैसा मुनाजिर हो, हजरत शेखुल कुरान जैसा आलिम हो, या हकीमुल उम्मत जैसा मुहक्किक और मुफ्ती हो, ये सब हजरत शाह विलायत की करामत थी कि आपने ये गुलदस्ता अहले सुन्नत का यहाँ जमा फरमाया। तारीख आप पढ़ सकते हैं, उन्हीं के दावत पर और उन्हीं के एहतमाम में ये सारी इल्मी रूहानी शख्सियात यहाँ गुजरात में तशरीफ़ थी और बड़े बड़े यानी आज मदनी मियाँ रहमतुल्लाह दामत बरकातुल्लाह का या हाशमी मियाँ साहब पूरी दुनिया में डंका बज रहा है उनका खिताबत का, उनके वालिदे गिरामी हजरत सैयद मोहम्मद मुहद्दिस किशोचवी रहमतुल्लाह ताला अलैह, तो ये दोनों बुजुर्ग बड़ा बोलते हैं और अच्छा बोलते हैं और फिक्री तकरीर होती है उनकी, लेकिन ये अपने वालिदे गिरामी के दो टुकड़े हैं मुजीद के। तो मेरे बुजुर्ग फरमाते थे कि हमने सैयद मोहम्मद मुहद्दिस किशोचवी की तकरीर हजरत पीर विलायत शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह के जेर इंतज़ाम यहाँ गुजरात में पहली मरतबा सुनी, यानी जब वो प्रोग्राम होते थे तो उनमें मेरे वालिदे गिरामी हजरत अब्दुल अजीज जैसी शख्सियात वो उन कॉन्फ्रेंसों में शामिल होती, हाजिर होती, देखती और यानी सुनते उन खुतबा को कि जो हजरत शाह विलायत का इंतज़ाम था। वो पूरी तारीख पर मैं अगर बोलूँगा तो बहुत बड़ी बड़ी किताबें लिखी हुई हैं, जाहिर है उनमें से कितना बंदा अर्ज कर सकता है, लेकिन ये खुशबू है पूरा इलाका जानता है हजरत के शागिर्दों की हिफ्ज़े कुरान करीम की और इल्म दीन की दौलत, जिस मोहब्बत के साथ आपने ये सबूत था आप सैयद हैं तो सैयद यहाँ होगा कुरान की खुशबू मौजूद हो, एक ताल्लुक है उसका तोहफा ये है, उनका फख्र ये है कि अल्लाह ताला ने उनको कुरान की खिदमत के लिए ख़ास फरमाया, आले रसूल करीम को औलादे रसूल करीम को। आपकी वो खुशबू आज तक मौजूद है और मदरसे और जगह भी हैं, यानी आपके मुरीदीन के आपके जेर इंतज़ाम जो चल रहे हैं, अल्लाह ताला हजरत किबला पीर सैयद सईद अहमद शाह साहब गुजराती मुद्दज़िल्लुहू उनके जेर साया और जेर क़यादत हजरत शाह विलायत रहमतुल्लाह ताला अलैह के जितने भी मकातिब हैं उनके मुरीदीन के मुतवस्सिलीन के हिफ्ज़े कुरान करीम के अकेडमियाँ हैं पूरी दुनिया के अंदर अमेरिका से लेकर बरतानिया तक मौजूद हैं आपके औलाद पाक की, और चूँकि उन मुल्कों में मैं जाता रहता हूँ गायबाना नहीं पढ़ रहा मैं देख कर जो बात है वो अर्ज करना, तो अल्लाह ताला सबको बरकतें अता फरमाए और उनके मिशन को चार दाम आलम में वो कायम है अल्लाह ताला मजीद ताकि क़यामत उसको जारी हो सारी रखने की और रहने की तौफीक अता फरमाए। गिरामी कदर हाजरीन, मुझे सरदार साहब का हुक्म है तो मैं हाजिर हुआ, कल भी और आज भी मुझे मालिक के पास जाना था लाहौर में, बावजूद लाहौर जाने के बावजूद वहाँ ना जा सका, तो आपकी खिदमत में मैं हजरत से जितना इजाज़त लिया है उतने वक़्त में चंद गुजारशात पेश करूँगा। आज के दौर में मौजूदा हालात में हम आले बैत अतहार आले रसूल करीम और रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के ज़विल क़ुर्बा उनका जिक्र करते हैं एहतमाम करते हैं, और ये बात आप जहन में रखेंगे अहले सुन्नत व जमात की ये बुनियादी जिम्मेदारी है, अहले सुन्नत व जमात की ये बुनियादी जिम्मेदारी है, इतने मोहतरम लोग जिनका एहतमाम ये है कि हम उम्मत अपनी तरफ से नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खिदमत में क्या पेश कर सकती है, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जितनी अता है
کہ وسیلہ اعظم ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہر نعمت کا. تو ہمارے محققین نے کتابوں میں یہ لکھا ہے, جہاں بھی خطبے کتابوں کے لکھے ہیں نا, حتیٰ کہ سب سے مشکل خطبے لکھنے والے علامہ محب اللہ بہاری ہیں, سلم العلوم لکھے یا مسلم الصدود لکھے, وہاں بھی انہوں نے یہی لکھا کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ منعم حقیقی ہے, اور منعم حقیقی کے انعامات کے جواب میں بندہ کیا کر سکتا ہے, عبادات کرتا ہے, طاعات کرتا ہے, تو یہ بھی پھر اس کی توفیق ہے. اس لیے انعامات الہیہ کے جواب میں ایک بندہ اپنے رب کی حمد کر سکتا ہے. ایسے میں نے بیماری کا بھی حوالہ دے دیا, اب آپ نے بھی کوئی سا تعاون کرنا ہے تو بولیں گے نا, نہیں اس طرح نہیں. سر سب حضرات بولو بھائی, یا جن کے منہ نہیں اللہ وہ کہاں سے بول رہے ہیں. منعم حقیقی کے انعامات کے جواب میں بندہ کیا کرے گا؟ فرمایا حمد کرے گا, اور ہر انعام کا وسیلہ اعظم جناب محمد رسول اللہ کی ذات گرامی ہے. تو جو وہ وسیلہ و ذریعہ بنے ہیں اس وسیلے کی شکر گزاری ہم کیسے کریں گے؟ فرمایا اللہ کے انعامات کے جواب میں بندہ حمد کرتا ہے, اور جو وسیلہ ہے حضور اس وسیلے کے لیے بندہ درود و سلام پیش کرتا ہے, ان کی شکر گزاری کے لیے درود و سلام. سین میں اگر کوئی بیٹھا ہے تو وہ بھی جواب دے اس کا, اور میں یہ تقریر آپ کا جو ٹمپریچر ہے اس کے مطابق ہی کرنی ہے, کیونکہ اگر میں صحت میں ہوتا تو پھر اپنے ماحول سے کرتا. اب میں آپ کو دیکھ دیکھ کر ہی تقریر کروں گا کہ صحت مند آدمی اگر بچا بچا کے خود کو رکھتا ہے تو مجھے بھی کچھ احتیاط چاہیے, اس لیے آپ کو دیکھ رہا ہوں میں. تو اس کے مطابق انشاءاللہ میں مسئلہ ضرور کروں گا ہارے, لیکن ذوق تبھی ہوگا جب آپ بھی سننے کے قابل ہوں گے. بس عرفان شاہ نے ایک چھٹ کے باقی سارے نعرے مارو, اگر مولا علی شیر خدا کا مارا نارا تسا حق ادا کر کے سیدہ فاطمہ کا بلند کر دیتا, باقی سارے اسی بچے آ گئے. اس واسطے نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری, نعرہ غوثیہ, سیدہ کائنات. بزرگوں حضور وسیلہ ہے ہر نعمت الہیہ کا. لوگ ہمیں کہتے رہے, ایک زمانہ کہتے رہے درود شریف ہم پڑھتے ہیں لیکن درود شریف لکھتے نہیں, حضور کا نام اللہ کے نام کے ساتھ نہیں لکھتے, برابری ہوتی ہے, فلاں ہوتا ہے. ہمارے بزرگوں نے یہ بات نہیں مانی, بولا برابری نہیں ہوتی. میں مکہ مکرمہ میں تھا, وہاں ایک بڑا منظور مفتی تھا ان کا حسین, اس نے ایک فتویٰ چھاپا ہوا تھا وہ 10 زبانوں میں, جس میں لکھا کہ جہاں حضور کا اللہ کا نام لکھا ہو حضور کا نام برابر میں نہیں لکھو گو, اس میں برابری ہوتی ہے. تو میں نے مسجد نبوی شریف کے مدرس کو, جو بڑا مدرس تھا, اس کو دکھایا, میں نے کہا یہ دیکھو یہ کیا فتویٰ تقسیم ہو رہا ہے. کہنے لگا تو تمہیں نہیں سمجھ آتی کہ برابر نام لکھنا ان کا ٹھیک نہیں ہے.
मैंने 26 वां पारा निकाल के उसके सामने किया। मैंने कहा ये जो लिखा हुआ है मोहम्मद रसूलुल्लाह वल्लजी नमाहु शिद्दा वल कुफार रहमाउ बैनहुम, तो इसमें अल्लाह हो पहले होना चाहिए था मोहम्मद रसूलुल्लाह। तुम तो बाद में भी नहीं लिखने दे रहे हैं, तो रब ने तो अपना नाम बाद में रखा, पहले अपने हबीब। तो हम उतार लें, कुरान की आयतों का क्या करें? आप कुरान की आयतों का क्या करें? इबारतुन्नस में रब ताला अपनी जात की पहचान भी जब अपने मोहम्मद से कराए तो हम क्या करें? जोर से ये कोठी मानी जज्बे कमजोर जी लग दिया। All right.
कामयाबी के दरमियान अब बात सुनने के लायक हो रहे हैं आप। बात मैं खुद को तैयार कर रहा हूं कि आप तैयार हो जाए तो वो मैं बात करूं ना आपसे। जी हुजूर वसीला है, हुजूर वसीला है इनामात इलाहिया का। तो रब ने कहा मेरा शुक्र करो तो मैं नेमतें देता हूं। उनका शुक्र को दुरूद की सूरत में कि वो वसीला है सब नेमतों का। सुभान अल्लाह। एक महक्किक की बात नहीं कर रहा, हर महक्किक ने ये खुतबा में ये लिखा हुआ है। हाँ जो दर्शियात पड़े हुए हैं ना वो पहले खुतबे से लेकर आखिरी खुतबों तक देख ले, यही तकरीर करते हैं। दोस्तों तो जो वसीला है उनका शुक्रिया है दुरूद शरीफ, उनका शुक्रिया उम्मत की तरफ से क्या है, शुक्रिया है हुजूर का कि आप वसीला बने, हमें अल्लाह ने नेमतें दी, आपका शुक्रिया अदा करते हैं दुरूद पढ़ते हैं। अल्लाह ने नेमतें अता फरमाई, अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, उसकी हमद करते हैं। सुभान अल्लाह। उसकी हमद करते हैं, हुजूर पर दुरूद पढ़ते हैं। हुजूर ने क्या फरमाया, हुजूर ने फरमाया जब मेरा शुक्र अदा करो ना तो मैं मोहम्मद का जिक्र करो दुरूद में तो शुक्र अदा ऐसा नहीं होता कि मैं खुश हो जाऊं। क्यों? इसलिए कि जब मेरा शुक्र करो, मेरा शुक्र करो तो मेरी आल का भी शुक्र करना। ऐसा नहीं हो सुभान अल्लाह। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से सहाबाए किराम ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह हम सलाम कैसे पढ़े, ये तो आपने सिखा दिया, किसी एक किताब हदीस में नहीं और ना ही किसी ये फजाइल की किताब में है, सिर्फ बुखारी शरीफ में, मुस्लिम शरीफ में, जामे तिर्मिजी में, सुनने अबू दाऊद में, सुनने नसाई में, सुनने इब्ने माजा में, मिश्कात शरीफ में, मुस्नद अबू याला में, मुस्नद इमाम अहमद में, अरे कौन सी किताब है जिसमें ये हदीस नहीं है। अल्लाह के हबीब से सहाबा अर्ज कर रहे या रसूल अल्लाह सलाम कैसे पढ़ना है ये तो हमने सीख लिया, सलात कैसे पढ़े ये हमें सिखा दे। हुजूर ने सिखाया अल्लाहुम्म सल्ली अला मोहम्मद व अला आल मोहम्मद। जोर से कहो सुभान अल्लाह। दलील जिक्र हो गई, दलील जिक्र हो, दलील की वजह से कहता हूं तो जोर से कहो, कहो सुभान अल्लाह। अब पहले तो खास किस्म के नास भी होते थे जो कहते थे आल क्या है, ये आल क्या है, ये कोई रॉयल फैमिली है, इसका जिक्र जरूर करें। उससे पहले ये टोला था एक, यहां कई जगह था, थोड़ा थोड़ा यहां भी था, ये बयान करते थे और किसी का जिक्र ना हो मस्जिदों में जिक्र ना हो, लिहाजा उस फार्मूले के तहत वो आज भी कह सकते हैं कि सैयदाए कायनात की कानून मस्जिद में कर रहे हो। तो मैंने कहा हाँ कर रहे हैं, मेरा आपके अंदर कर रहे हैं, इतना मोटा लिख के कर रहे हैं। तो तुमने अगर जफा की खू नहीं बदली तो हम वफा की खू कैसे बदल सकते हैं। तुम अपने जफा पर डटे हुए हो, हमारा मौकिफ ये है कि भाई निमाज है रब की, मुसल्ली बंदा है रब का, इबादत करता है रब की, वो निमाज मोहम्मद रसूलुल्लाह का शुक्र अदा किए बगैर खत्म नहीं होती, कबूल नहीं होती, और मोहम्मद
मेरा शुक्रिया अदा है सुभान अल्लाह कहते नहीं दुरूद होता है। और मैंने आपको निशानदेही कर दी, पहले खास किस्म के लोग थे जो इस मौजू पर तनकीद करते थे। आजकल अहले सुन्नत कहलाने वाले, बल्कि खुद को अहले सुन्नत का ठेकेदार कहने वाले, वो कह रहे हैं कि दुरूद तो दुरूद होता है, हुजूर पर होता है, आल पर नबी हो तो होता है। मैंने कहा ये बोली आपको किसने सिखाई? अगर हुजूर की आल के बगैर दुरूद होता तो हुजूर सिखाते ना, हुजूर सिखाते। जब उन्होंने कहा था सिखाइए, कैसे पढ़े हम, कैसे मुसल्ली, कैसे पढ़े हम, तो हुजूर ने फरमाया यूं पढ़ो कि सल्ले अला मुहम्मदिन व अला मुहम्मदिन। अल्लाह बोलो जोर से सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब जो हुजूर ने सिखा दिया, किताबों के नाम मैंने बता दिए, और ये किसी गैर मुकल्लद को भी जरूरत नहीं कि कहे ये अहादीस सही नहीं है। मैं चैलेंज से कह रहा हूँ, मस्जिद शाह विलायत के जिम्मेदार चैलेंज से कह रहा हूँ, गैर मुकल्लद निकल आए जितने मर्जी है, किसी की जरूरत नहीं है कहे कि आले मोहम्मद पर दुरूद वाली हदीस ये मुतसिल नहीं है या मजलू है या मरफू नहीं है। आओ सामने, हाँ गैर मजलू है, मुतसिल है, मरफू है, सिखाई है, पढ़ाई है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या कलाम है तुम? सुभान अल्लाह। नहीं मैंने सतूर देखो वहां उल्टे हो जाओ, क्यों? उस वक्त सफा ऐसे करो, टेढ़े हो के नीचे से ऊपर देखो, तो मैंने सतूर में ये लिखा है। मैंने कहा नमस्ते, पुरानी होती थी तो मैंने इसमें चमगादड़े देखी थी, वो उल्टी होकर लटक कर वक्त निकालती थी। और मैंने कहा चमगादड़ो, ये आज 15वीं सदी में तुम्हें समझ आई कि दुरूद में आल के बगैर भी दुरूद होता है? जब सहाबा किराम ने अर्ज की हमें सिखाइए, तो मुस्तफा करीम क्या मर्जी से सिखा गए थे? वही सिखाया जो रब ने फरमाया। अल्लाह तेरा शुक्र करे तो जब तक तेरी आल क्या न करे तेरा शुक्र अदा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो मैंने कहा उल्टा लटक कर मैं उस सतूर का हवाला देने वाली बरेलवियों की चमगादड़ो, उल्टे मत लटको, सीधे देखो, क्योंकि अबू बकर सिद्दीक ने तो ये सवाल नहीं उठाया, उमर फारूक ने तो नहीं उठाया, हजरत उस्मान ने नहीं उठाया, अशरफ मुबशरी ने नहीं उठाया। ये बरेलवी चमगादड़े हैं जो आज कहती है मैंने सुदूर देखो, और नीचे से लटक कर देखोगे तो नजर आएगा। मैंने कहा लटकने की जरूरत नहीं, जम कर देखो तो नजर आएगा कि कामिल दुरूद वही है जो मोहम्मद रसूलुल्लाह पे पड़ा गया। आले मोहम्मद सुने भाइयों, आज से नहीं बहुत अर्सा पहले मुल्तान में हरम गेट के सामने मेरी तकरीर थी, और यही आयत करीमा मैंने पढ़ी जो आज पढ़ी।
لا أسألكم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القرب. تو وہاں کئی مدارس ہیں مگر ایک بدبختوں کا ادارہ وہاں آج بھی ہے جس کا مہتمم ان کا پورے پاکستان کا ناظم اعلیٰ ہے ان کے مدارس کا. ان کے ایک مدرس خط لکھا رکا لکھا مجھے اور کہنے لگا کہ دیکھو ہم تمہیں زیادہ نہیں جانتے لیکن تیرے باپ کا نام سنا ہے. تو بھی یہ ثابت کرتا ہے کہ بندر پاک کی عظمت اس آیت سے ثابت ہے؟ میں نے کہا کرتا ہوں کر رہا ہوں آپ کے سامنے کر رہا ہوں. تو کہنے لگا جب یہ آیت اتنی تھی تم ایک شیخ التفسیر کے اگر بیٹھے ہو تو تمہیں پتہ ہونا چاہیے کہ یہ آیت تو مکی ہے, سورت پوری مکی ہے. تو مکہ میں تو ابھی شادی بھی نہیں ہوئی تھی حضرت مولا پاک کی اور سیدہ پاک کی, تو شادی بھی نہیں ہوئی تھی, تو اولاد تھی نہیں, شادی نہیں ہوئی تھی. تو پھر یہ مراد کس طرح ہے جو ابھی تھے ہی نہیں؟ اسی آیت سے ثابت کرتے ہو تو مکی سورت ہے ساری اور شادی بھی نہیں ہوئی اور تم تو مولوی ہو. دیکھو نا یہ مولوی کا مطلب یہ ہے کہ تم محبت کی بات تو کر ہی نہیں سکتے. ان کے یہاں مولوی یہ ہوتا ہے یعنی ابو سن کم ترینا قسم کا یعنی خوشکل کا مانا ہوا. اور جب مولوی ہو میں نے کہا مولوی ہوں اسی لیے تو کہہ رہا ہوں, مولوی ہوں اسی لیے کہہ رہا ہوں. ان کے کیسے کہہ رہے ہو؟ قرآن اٹھاؤ, سورت ساری مکی ہے اور شادی بھی نہیں ہوئی. تو یہ شہزادے اگر اس سے مصداق اول ہیں تو پھر یہ تو تھے ہی نہیں. میں نے کہا میں بتاؤں تو میں کہ میں مولوی ہوں؟ کہنے کا بتاؤ. میں نے کہا جب عقیم الصلاح اتنی تھی تو ہم تھے. آپ تو زکاۃ جب اتنی تھی تو ہم تھے. کہو نا عرفان شاہ سننے آئے ہو تو عرفان شاہ ایسے ہی بولتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ. میں نے کہا عقیم الصلاح یہ بزرگ تھے اس وقت جب اتنی, یعنی تیرا معیار یہ ہے جو سامنے ہو آیت کے وہی اس کا مصداق ہو سکتا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ اقیم الصلاۃ ساڈے متھے تے وجنی چاہیے تے تاں ساڈے تے فرض ہوے. آپ زکاۃ میں کہ رجب ہوندا ہے تے جڑے لتراں جڑیاں تسی رسید بکا چک کے آ جاندے ہو پکھے والے دی دکاناں تے, ہائے 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 اے پکھے والے غریب آجی یونس علی ہے سن جدو آپ زکاۃ اتری اللہ اکبر. آپ میرے پاس اتنا ٹائم نہیں کہ میں پورے رچاؤ کے ساتھ یہ بات آپ کو بتاؤں, لہذا تردن باب گزر رہا ہوں کہ بندہ خدا عقیم السلام مخاطب تب کرتی ہے ہمیں کہ وہ کرتی ہے مخاطب ایمان والوں کو. ایمان والے سامنے ہو یا دس سو سال بعد جب میں پیدا ہو ایک ہزار سال بعد بھی جو ایمان والا ہے آیت اس کی طرف متوجہ ہوگی. اب سمجھ آئیے
2000 साल बाद मतवजी होती आया दीवान वाले की तरफ। ठीक है, अब इस आयत के में क्या हुक्म है? लाशाल कुमारे या जन इल्लल मौत सुनियो, आयत में हुक्म साबित हो रहा है कि जो रसूल खुदा के करीबी हैं उनसे मुद्दत रखो। अब बात ये नहीं कि आयत उतरने के वक्त कौन मौजूद है, हमें ये देखना है कि कराबत कराबत में रसूलुल्लाह सबसे अफरियत ने और बच्चे कह लो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्यों? कि जैसे अहकाम शरीयत के मुतवज्जे होने में मदारे हुक्म है ईमान पर, मवद्दत फिर कुर्बा में मदारे हुक्म है कराबत पर। सुभान अल्लाह। आम अजीज के वो अहले कराबत मौजूद है या नहीं? सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये बात इससे देखी नहीं जाती। बेशक अभी पहला जवाब दे रहा हूँ, दूसरा दूंगा तो फिर आप काबिल समझना इसको। कराबत देखी जाएगी, ये नहीं कि आयत उतनी तो आयत अपने मौरद पर बंद नहीं होती। ये तो इब्ने तैमिया भी तस्लीम करता है, हुक्म जो आयत से साबित होता है वो अपने मौरद पर बंद नहीं होता, वरना अहकाम शरिया सिर्फ उन लोगों के लिए साबित होते हैं जो उतरने के वक्त मौजूद थे। सुभान अल्लाह। शान नुज़ूल पर भी आयत का हुक्म बंद नहीं होता, मौरद पर अहकाम बंद नहीं होते, क़यामत तक के लिए है। तो मोहरत पर जब बंद नहीं होते तो मैंने कहा इल्म की दुनिया में, इल्म तफसीर में और खैरू के मदरसे वालों के पुत्र की ये बात नोट करो, अहकाम कुरानिया मोहरत पर बंद नहीं होते। लिहाजा ये तुम्हारा सवाल गलत है कि वो मौजूद थे या नहीं। और दूजी सट सैयद दी और ये किसने लिखा? हमारे बाबा हैं सदरुल्लाह फाजिल सैयद नईमुद्दीन मुरादाबादी रहमतुल्लाह। आपका हाशिया उठा के देखो गद्दुल ईमान पर, आप इस सूरा की इब्तिदा में जब तारुफ लिखते हैं ना, हमारे उलमा तशरीफ में इनको पता है कि सूरत पर जब अलामा मुरादाबादी रहमतुल्लाह अलैह तफसीर शुरू करते हैं तो एक खुलासा पूरी सूरत का पहले लिखते हैं। उसमें खुलासा लिखते हुए 5 तफासीर के हवाले से अल्लामा मुरादाबादी फरमाते हैं ये पूरी सूरा मक्की है, लेकिन तरतीब रसूली के मुताबिक इसमें रसूलुल्लाह ने 5 मदनी आयतें भी इस सूरत में तिलावत फरमाई। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। 5 आयतें मदनी है और उन 5 मदनी आयतों में एक आयत है कुल्ला सनुकुम अलैहि अजरक इल्लल मवद्दत फिल कुरबा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हजरत सैयद नईमुद्दीन मुरादाबादी फरमाते हैं कि ये आयत जब नाजिल हुई मदीना मुनव्वरा में हुई और जब नाजिल हुई तो अली मौला भी मौजूद थे, फातिमतुज़्ज़हरा भी मौजूद थी, हसन मुज्तबा भी मौजूद थे, हुसैन Yeah.
जाएगी, इधर मवद्दत भूल गया। जब कुर्बा ये है और मवद्दत लाजिम है तो इमाम शाफी फरमाते हैं ये आयत है जो हमें बताती है कि अल्लाह ताला ने अपने हबीब के ज़बील कुर्बा की मवद्दत को उम्मत मुस्लिमा पर अपने बंदों पर फर्ज फरमा दिया। जोर से आवाज आए सुभान अल्लाह, फिर आवाज दो सुभान अल्लाह। एक आदमी इस्लामाबाद में मुझे कहने लगा, बड़ा तकड़ा आदमी, लोग डर जाते हैं उससे, मुझे कहने लगा यहां से ये खास करावतदार मुराद नहीं है, क्यों कि तर्जमा लिखने वाले कौसैन में क्यों लिखते हैं? अगर इसका यही तर्जमा है तो फिर ज़मील कुर्बा का तर्जमा करते हुए खास इनके लिए दोनों तरफ निशान डाल के क्यों लिखते हैं? मैंने कहा अपनी असलियत जाहिर करते हैं और कुछ है। अपनी असलियत जाहिर करते हैं क्यों? इसलिए कि जब हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास इसका तज़किरा फरमा रहे हो तो अब कोई और इस जुमले को अगर कौसैन में देता है तो वो अपनी असलियत जाहिर कर रहा है, क्योंकि इब्ने अब्बास तफसीर में मौलाए कायनात के शागिर्द हैं, मौलाए कायनात जनाबे मोहम्मद मुस्तफा के शागिर्द हैं, सुभान अल्लाह, जनाबे मोहम्मद मुस्तफा ने बड़े रास अपने रब से कुरान, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इस सनद के साथ तो मुफस्सिर है तेरे पास चले आ, मैं सनद पेश कर रहा हूँ इस मसले की। इस सनद वाला चूंकि नहीं गुलाम उल्लाह के शागिर्द है, अपने बड़े इज्जत वाले रब की गल कर रहा हूँ। अल्लाह कहे ये ज़मील कुर्बा है क्योंकि मोहम्मद रसूलुल्लाह तो ज़मील कुर्बा ना हो तो कैसे बयान करते? अब अगर सहाबा इमाम अहमद बिन हम्बल की किताब मौजूद है, खुद मौलाए कायनात ने, अब मौलाए कायनात ने तो पूछा, इसका मौका देखो, खुद मौलाए कायनात ने पूछा या रसूलल्लाह आप फातिमा से ज्यादा मोहब्बत करते हैं या मुझसे ज्यादा मोहब्बत करते हैं? अब आहिस्ता नहीं सुनना, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, मुझे पता होता ना कि आप इस तरह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह वापस से तो बिल्कुल आखिरी सिरे की बात कर दी मैंने आपके साथ, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आखिरी बात क्यों कर दी? टाइम कम है। मैं पूछता हूं मौलाए कायनात को ये क्यों पूछना पड़ा? पूछना क्यों पड़ा? हज़रत मौलाए कायनात हुज़ूर से पूछते हैं आप मुझसे ज्यादा मोहब्बत करते हैं या फातिमा से ज्यादा मोहब्बत करते हैं? फिर कहो क्यों पूछा आपने? सनद का मैं जिम्मेदार हूं, इमाम अहमद बिन हम्बल ने लिखी, ये मेरी किताब बैरूत की छपी हुई किताब, ठीक है? यार सुल्ला मुझसे ज्यादा मोहब्बत करते हैं या फातिमा से ज्यादा मोहब्बत करते हैं? और मैं कुर्बान जाऊं, रसूल पाक ने फरमाया अली अहब अहब अहब, सुभान अल्लाह, हुब नहीं अहब अहब, वाह सुभान अल्लाह, अहब इलैया फातिमा से मैं मोहम्मद मोहब्बत तुमसे भी ज्यादा करता हूँ, सुभान अल्लाह वाह 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 सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, मौलवी साहब आप परेशान, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, तुम अच्छे से बांटते लाओ खुदा, सुभान अल्लाह
माथे देख रहा हूँ परेशान, माथे वाले बंदा नस भी होता है से बढ़कर कोई किसी को मैं नहीं चाहता। अल्लाह की मखलूक में अपने कराबतदारों में किसी को भी फातिमा से बढ़कर मोहम्मद मोहब्बत नहीं करते। सबसे ज्यादा फातिमा से मोहब्बत करता हूँ, अली तुझसे भी ज्यादा। लेकिन याद रखना अल्लाह तकरीर समझ नहीं आएगी। क्यों? इसलिए कि लोग सरों पर नालायन शरीफ के नक्शे बनवाए फिरते हैं। मैंने भी बनवाए हुए हैं, अक्सर टोपियों पर हैं। लोग कहते कद्दू शरीफ की तो इन कुफर है। फतावा नकीरिया में लिखा है लो काल लाल नबी तकरीरें 40 साल से इरफान मशदी की जिसके जहन में हो वो लाए थे, इसलिए सुनाई थी आपको ये तकरीरें। सारी जिंदगी गुजरात का हर चौक गवाह है। और एक एक कस्बे में मैंने ये तकरीर की इसलिए की थी कि नालायक का सिर्फ अदब रखना और बाल का अदब रखना और कद्दू शरीफ का अदब रखना। इसलिए सुनाई सुभान अल्लाह। फिर तो कद्दू कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए थी हमें। और कद्दू शरीफ हम अलामात से आपको बताते रहे कि मुस्तफा अलैहि सलाम के पाए अकदस से किस नाले को निस्बत हो जाए, मिल जाए अगर जुज नहीं उसका अदब फर्ज हो जाता है। और मालूम होने के बाद अगर उसकी कोई तौहीन करे तो वो काफिर हो जाता है। क्यों बयान किया आपके सामने ये? इसका मतलब आधा याद रखा आपने आधा बुरा दिया। ओ खुदा के बंदो, जिस हस्ती मुकद्दस के पाए अकदस से चमड़े की नाले लग जाए उसकी तादीब वाजिब हो और उसकी तौहीन कुफ्र हो, तो जिसे मुस्तफा कहे इन्नमा फातिमा तो बता तो मिलनी फातिमा मोहम्मद के जिगर का टुकड़ा। सुभान अल्लाह। तकबीर।
अब कोई नहीं पूछता हमसे कि ये कहाँ है, ये बुखारी शरीफ में है, सही है, सरी है, मरफू है, मुतसिल है, गैर मजरूह है, असानीद भी मुतअक्कद है। उजर क्या है आपको? उजर क्या है आपको वो भी तो बताइए ना। बीमारी क्या है? क्या बीमारी है कि अब भी टोपी पर निशान तो नालायन शरीफ का बनाते हो और सैयदा कॉन्फ्रेंस में आते हुए मशवरा मांगते हो गली के नासवी इमाम से जाना चाहिए या नहीं, सही जैसा पे रखिए जाना चाहिए या नहीं, मगर तेरे मशवरे पे लाना था। उसने जो मशवरा दिया उस पे तो डबल लाना था। तेरी इस चाहत पे लाना कि मैं पूछ के जाऊं क्यों मोहम्मद के खानदान के लिए, उनकी इज्जत और नामूस के लिए हमें किसी का पाबंद नहीं होना। अल्लाह ने फरमाया कि नामूस की हिफाजत मोमिन को ईमान से ज्यादा फर्ज है। क्यों? कि ईमान तो नाम ही उनकी अजमत का। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, हैदर 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 हैदर। सारे गुजरात से हाफिज जिनके मैंने ज़ियारत की थी, मैंने तो मुफ्ती साहब की भी ज़ियारत की है, अलामा अब्दुल गफूर साहब रबी रहमतुल्लाह अलैह के जनाजे में मैं शरीक हूँ। 24वां पारा पढ़ता था मैं जब उनकी जनाजा 71 में हमने पढ़ा, वहाँ जाकर शामिल हुआ मैं, हाँ अपने वालिद रहमतुल्लाह अलैह के साथ। ये सब अकाबिर को मैंने देखा है, लेकिन इनके बाद जो अकाबिर थे उनमें भी आज कोई जिंदा मौजूद नजर नहीं आता। वरना मैं पूछता उनसे कि हजरत ये तो हमें बता जाए गुजरात वालों को कि जब अहब कहा सैयदा फातिमा को तो इलैया कहा, और जब आस कहा हजरत अली को तो अलैया कहा। समझ नहीं आई? फातिमा अहब इलैया علی اعز علی، یہ علیہ کیوں کہا ان کو اور ان کو علیہ کیوں کہا؟ اب یہ قرض ہے ان جغادریوں پر جو ہمیں کہتے ہیں تم کیا جانو، تو میں نے کہا پوچھوں تم کیا جانو، ورنہ بتا کل بھی ہم کرے کوئی حدیث اس وقت فضائل صحابہ سے عرض کر رہا ہوں، سیاست کا دکانہ میری ذمہ داری ہے، फातिमा अहब है लेकिन इलैया, अली आस है मगर अलैया। सुभान अल्लाह, और इलैया और अलैया का जो फर्क है ये शराब काबिल से देख लो, बड़ी किताब से देखने काबिल नहीं रहे लोग। शराब काबिल अला लिल इस्तेलाए वफी थी, जिसको कहा ये मेरी महबूब ज्यादा है, मेरा प्यार फातिमा से सबसे ज्यादा है, अली तुमसे भी ज्यादा महबूब है फातिमा, वहां फरमाई लैया। सुभान अल्लाह, कुर्ब को कल्ब के साथ, कल्ब को बर्तन के साथ। क्या कहें, क्या कहें, वाह वाह वाह, कुर्ब को कल्ब के साथ, इलैया कुर्ब को कल्ब के साथ बयान करते हुए ये बता रहे हैं कि मेरा वजूद फातिमा के बगैर मुकद्दर नहीं, और अली तू आस है। क्यों? जैसे अरबो आजम पर तेरा इस्तेला है और तू छाया हुआ है, इसी तरह मोहम्मद के कल्ब और सीने पर मोहम्मद अली बसूरत आस फिजाए मोहम्मदी में अली का झंडा। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर,
और दूसरा किसी बड़ी किताब से नहीं, शराब से देख इला का एक इस्तेमाल ये है कि ले इंतहा जानो के तुम, लेकिन इंतहा कल्ब मोहम्मद के बगैर फातिमा के कल्ब की इंतहा जान कोई। अल्लाह सुभान अल्लाह, अगर है दिल तो कह लो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह अकबर या रसूल अल्लाह, हक अल्लाह या अली जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मैं आज मखदूमाए कायनात कॉन्फ्रेंस में आपसे सवाल करता हूं, सुन्नी ओए असली सुन्नी, ये नकजरार जो नासबी सुन्नी बना हुआ है ना, उसकी बात नहीं करता। असली सुन्नी जो है उसको मुखातिब करके कह रहा हूं कि कद्दू शरीफ की इज्जत करो, क्योंकि उसको नस्बत है हुजूर से, नालायक शरीफ के नक्श की भी इज्जत करो, नस्बत है हुजूर से। निस्बत है जूस तो नहीं ना, अली से क्यों दूर रहते हो, उसको मेरी निस्बत तो नहीं, वो तो जूस है। फातिमा तो सारा मेरी निस्बत नहीं, वो तो जूस है। हुसैन अली मकाम सिर्फ निस्बत नहीं, वो तो जूस है। अभी भी समझ नहीं है यार, मंसूब है मंसूब, एक चीज है मंसूब, एक चीज है जुस जुस, तो जुस से तो कुल, ये उसके अज्जा। और हुजूर जिनके अज्जा थे उनको जो फैज मिला वो आपको मालूम है, हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हजरत अब्दुल्ला तक, सही बुखारी शरीफ अबू हुरैरा रावी है इसके, बुरिस्तु मिन खैर कुरून बनी आदम करना फकरना, हर कर्म के सबसे खैर और बेहतरीन आदमी के पास मेरा नूर बतौर जुज रहा। और जब आदम अलैहिस्सलाम के पास आपका नूर बतौर जुज रब ने रखा, तो आदम अलैहिस्सलाम जिस रस्ते से गुजरते थे उस रस्ते से खुशबू आती। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, नूरे मोहम्मदी की खुशबू पर हर सुन्नी कहे सुभान सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। एक मुहद्दिस कहते हैं आदम अलैहिस्सलाम जन्नत से आए थे इसलिए अभी खुशबू जन्नत वाली थी, क्योंकि मुहद्दिसीन के अपना अपना माइंड सेट होता है ना, तो उनका माइंड सेट ये था के जन्नत से आए थे इसलिए उनसे खुशबू आती थी। तो अल्लामा खताबी फरमाते हैं मिश्कान के शारे हैं, फरमाते अच्छा वो तो जन्नत के आने की वजह से खुशबू आती थी, अब्दुल मुत्तलिब भी जन्नत से आए थे हुजूर के दादा, ये तो हकीकत उनके बारे में भी है कि अब्दुल मुत्तलिब हुजूर के दादा जिस रास्ते से गुजरते थे मुअत्तर। सुभान अल्लाह 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 सुभान अल्लाह। अभी आपको समझ नहीं आई मसला आगे, क्योंकि उनसे मखदूमाए कायनात का कॉन्फ्रेंस है, मखदूमाए कायनात की, तो गुजरात वालों भूलना नहीं, हुजूर जुस हो तो कुल मुअत्तर हो जाती है, हुजूर कुल हो तो जुस में खता नहीं रहते। हाय 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 वाह 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 वाह, नारे तकबीर नारे रिसाल नारे हैदरी 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 हैदरी, वाह 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 जिंदाबाद जिंदाबाद।
जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। और इनके दरमियान सैकड़ों वास्ते आदम अलैहि सलाम से लेकर हजरत अब्दुल्ला तक खुशबू बरकरार है, खता से पाक है। क्यों उन्होंने फरमाते कि मैं कभी भी सफाह पर पैदा नहीं हुआ, जाहिलियत पर पैदा नहीं हुआ, निकाह से पैदा हुआ। क्यों कि मेरे आबाएदाद एक से एक बाप ने आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हजरत अब्दुल्ला तक उनके असलाब भी पाक है और मेरी जद्दाद के आराम भी पाक है। समझ आ रही है या नहीं आ रही है? हाँ 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 हाँ। ये मेरा फर्ज है, इसलिए कि सबसे पहली लानत अपने सिखाए हुए पर रब को ही करनी पड़ी। लोग कहते हैं आप क्यों ज्यादा जोर देते हैं, मैंने कहा हम पे छोड़ता ना, तो उसने क्यों सबसे पहले शैतान रजीम कहा, क्योंकि जब सिखाया हुआ उसका अपना था तो उनके होने पर लानत भी सबसे पहले रब ने की। तो मेरा फर्ज है जब मेरे बाप का नाम गंदा करता है हरामी अपने नापाक का नाम के साथ लिख के, तो मेरा फर्ज है कि इस शैतान रजीम पर भी सबसे बड़ी लानत और पहली लानत चनाक्षा का फेंका। अल्लाह 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 हू अकबर या रसूल अल्लाह 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 शाह जी अल्लाह अल्लाह बेशुमार 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 वाह वाह शाह जी सुनो। अरे तुम्हें क्या पता हजरत खातून जन्नत के मकाम को सरकार कैसे देखते, जामे तिरमिजी उठा के देखो, सियासतता है अपनी किताब है। हाँ अब इन भाई बेईमानों के पास और कुछ नहीं रहा, कहते थे शियों की बोली बोलते हैं, मैंने कहा शिये कहते खुद बारे में नहीं हम उनकी बोली बोले, क्यों कि हमारा संचय ही और है उनका और है। हमारा तरीका फिट नहीं आता उनको, हमारा तरीका और है। सुन मैंने कहा जाके उनसे पूछ ले, तेरे जैसे सौ भी हो तो आज भी जिस धमक से डरते हैं वो हैदर करार के अल्लाह 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 वाह 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 हैदर करार का मैं नाम लेकर बात करूं तो कहते जी आप कहते हो हम सिद्दीक अकबर को भी हैदर करार की वजह से मानते हैं। मैंने कहा ना जब रब को हुजूर की वजह से मानते हैं तो कभी सवाल किया तुमने कि रब रब है हुजूर की वजह से क्यों मानते हैं? अल्लाह जी अरसला रसूलहू बिल हुदा व दीनिल हक्के लियुज़हिरहू अला दीनि कुल्लिही। अगर इस
से सवाल ये आता है कि बड़ा कौन है उसकी वजह से मानना चाहिए, ये सवाल है तो बड़ा तो फिर रब है। तू मेरे मुस्तफा का खुदा है। कोई नहीं समझ आ रही, कुरान पढ़ो। वाह वाह वाह, कुरान पढ़ो तुम्हें समझ आएगी। अली क्यों, मैं चैलेंज से कहता हूं, जब किसी का दिल करे, सुन्नी मुनाजिर नए बच्चे हैं, मैं दबाता नहीं उनको इस मसले में, क्यों बच्चे हैं गलती भी करेंगे लेकिन बात भी करेंगे, कल को संभालेंगे मैदान को, खुद सिखाएं, लेकिन बरूल ना मारो, बरूल ना मारो। क्यों, एक सुन्नी मुनाजिर, मैं दावा कर रहा हूं अपने इल्म नहीं तजर्बे की रोशनी, एक सुन्नी मुनाजिर एक घंटा शिया के सामने, सदाकत सिद्दीक और खिलाफत सिद्दीक अली के बगैर साबित कर जाना, अब्बा मार लूंगा। आपको समझ नहीं आई मैं क्या कह रहा हूं, के साथ मुनाजरा करोगे, हजरत अली को दलील बना के नहीं लाओगे और सदाकत और खिलाफत साबित करोगे। एक घंटा निकाल जाओ, शिया भी असली हो बनास्पति ना हो, एक घंटा निकालो, मुंह मांगा मुझसे इनाम लेना, और शिया का मुकाबला खिलाफत सिद्दीक और सदाकत सिद्दीक के बारे में, या खिलाफत उमर अदालत उमर पर 10 मिनट नहीं चल सकते हो तुम, तभी चलोगे जब तेरी उंगली हैदर कर रहा। अल्लाह हैदरी 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 हैदरी। वाह वाह, तुझे तो पता नहीं, हम तो इतने से थे तो हमने मुनाजरे बैठ कर सुने, मौजूद होकर सुने, पहले खुद करने नहीं शुरू किए, मैं अकाबिर के मुनाजरे सुने, अकाबिर की बंद नहीं आती अली के जिक्र के बगैर, नहीं आती, नहीं आती, नहीं आती। ये बच्चे इनको क्या पता है अली मौला क्यों है, तुम्हारे वो मौला है जिसकी गाड़ी आएगी उसकी गाड़ी चलेगी तो अली की ताकत। सुनियो, बड़ी एहतियात से एक जुमला आपके हवाले करता हूँ, अगर आपके जहन में रहे तो, ये तो अकाबिर की बात कर रहा हूँ, वो अकाबिर हैं हमारे, चार यार की बात कर रहा हूँ अकाबिर की, अकाबिर पर तेरी बन नहीं आती अली की दलील के बगैर। नोट कर ले, एक मुनाजरा मौलाना नेतुल्ला साहब का, मौलाना मोहम्मद उमर साहब का, शेखुल कुरान अब्दुल गफूर धारवी का, उस्तादुल साहबजा खल्ला बठी रहमतुल्लाह अलैह, एक मुनाजरा अगर अली के बगैर साबित कर दे, खलीफों की खिलाफत, सिद्दीकों की सदाकत, सहाबियों की सहाबियत, लेकिन नोट कर, तू अली को पहचाना नहीं हो कुत्ते, तुझे क्या पता अली कौन है, तू हमसे पास कर रहा है कि शायद अमीर मुआविया के लिए क्या समझते हैं, नोट कर मेरी बात। दो बंदे मोहम्मद बिन अबी बकर, हज़रत अबू बकर सिद्दीक का बेटा, जो पाला मौला अली शेर खुदा आपकी गोद में पला है, जर्नैल है आपका मालिक बिन उस्ताद, दोनों जर्नैल जंगे सिफीन में लड़ रहे हैं, अचानक हज़रत मौला अली शेर खुदा का पैगाम किया, फरमा वापस आओ मालिक, वापस आए, मोहम्मद बिन अबी बकर बहुत जज्बात में थे, मालिक ने बाजू पकड़ा, फरमाया बुला रहे हैं जाओ आओ चलते,
कहा 20 दिन से मैं उनके जर्नैलों को देख रहा हूं, इस वक्त हमारी तलवार की सद में है, कब बुला लिया मौला? फरमाया मौला सिर्फ जर्नैल नहीं है, मौला है ना। अगर ये मौका हमारा वो जाने दे रहा है तो मौके देने वाला भी तो वो है या उसका खुदा है। उससे बिलाल फील हो रहे हैं, मोहम्मद बिन अबी बकर हुजूर कब बुला लिया? एक मिनट के फासले पर थे, मैं 500 के 500 को उड़ा देता। फरमाया तू क्या समझता है हम सुबह सालार हैं, हम जर्नैल हैं? मोहम्मद रसूलल्लाह के नायब, मोहम्मद रसूलल्लाह के इल्म के वारिस मैं हूं, वसी ये मोहम्मद रसूलल्लाह। तू क्या समझता है सिफीन की जंग को मैं आज देख रहा हूं? मोहम्मद रसूलल्लाह ने अपनी निगाहों से मुझे सिफीन का ये मार्का दिखा दिया था और फरमा दिया था, अली जब तेरे सामने तेरा मुकाबिल नेजों पर कुरान को उछाले तो नीयत पर शक न करना, रहम करना। क्यों? इसलिए कि हम उम्मत को संभालने आए हैं, उम्मत की बरकत के लिए आए हैं, बहाने कभी नहीं मारेंगे। फरमाया मोहम्मद बिन अबी बकर तू जज्बाती है, तेरा बाप होता तो अली की फहम को समझता, अली मेरा पहलवान नहीं कि मैदान में लड़ता है, अली बात नहीं करता जब तक मोहम्मद उसकी जबान और सुनो सैयद का अकीदा। ये तो बहाने बनाते हैं, बहाना मुआविया हजरत मुआविया का बनाते हैं और तकरीर करते हैं यजीद के हक में। सैयद सरवर शाह साहब ये जरा लाना, मैं इनको आवाज सुनाता हूँ कि बहाना क्या था और निकला क्या वास्तव से। ये मुफ्ती है, सुन लेना। मैं अहले सुन्नत के इंतजाम तो कुर्बान ते बाकी वे क
के सुन ली कि की रहा बंदा जी जी मुफ्ती है जेड़े मुफ्ती सस्ते नहीं बढ़न लग पे 4 महीने वाले ए एक मतलब तो मुफ्ती बैठे है तो बैठे है यजीद दा ईमान साबित कर ओ मैं कर रौला अमीर मुआविया दा पा के तो साबियत उन्हां दी दस के असल ते मिली थैले विचों हुण निकली ना कि नजरा ऐसे जिला गुजरात विच पे करदे हो अस्दुल्लापुर बह के साबित ये करते हो कि जरा यजीद काफिर आके वो खुद काफिर लफ्ज़ बोले काफिरा तो खुद काफिर है। सुन्नी मुनाजिर आसिफ कादरी नौजवान है जरा सुन्नी उसने कहा कि मैं साबित करना पाया थोड़े सामने मुताबा रजविया में अल्लाह ने लिखा है कि इमाम अहमद बिन हम्बल उस काफिर कह रहे शरा कायद वाले उसको मलऊन कह रहे मेहरबान यजीद असल चेहरे तुहाडे पार के रख देंगे चाहते की सुनियो मैं अर्ज कर रहा थोड़े सामने गल के मौला अली शेर खुदा करम अल्लाह तआला वजहुल करीम इस मकाम ते उन्होंने जरनैला की फरमाने तुआनु सिफीन के अंदर फरमाया गल मौके दी नहीं गल सरकार दे फरमान दी तुसी की समझते हो मैं थोड़े को मौका 15 दिन ना आना आया ते अली ते 15 मिनट कदी नहीं लाए दिखा के अपने हाथों मुबारक फरमाते ने अली जो नेज़ियां ते कुरान जो हुज़ूर भी तेरे सामने चुकन ते नीयत दी बास ना करी क्यों कि उम्मत कुरान पकड़ दी रवे जंगी कह रहे जंगी फरमाया नहीं हुण सुनो जुमला जेड़ा सुनाण वास्ते तुम तकरीर कर रहे इस मौका दी तकरीर अगर नोट करना पहले दसिया ना कि अली न बोलन ते खिलाफत दे तू बोल ही नहीं सकता मौलाना अब्दुल रशीद जम्मी न बोलन मैं खुद सुने मौलाना आयतुल्लाह सियाल सांगले वाले न बोलन मौलाना मोहम्मद उमर न बोलन दूसरी टर्न कभी नहीं आई कि हजरत मौला अली दा वाला ना आवे क्यों तू मुनाजरा जान ना दे तेन की पता कि किदे हवाले नाल अगले बंदे चुप कर सकदे सदाकत का एतबार मौला अली है अदालत का एतबार मौला अली है सखावत का एतबार मौला अली है शुजात का एतबार मौला अली है ये गल्ला करना पे बड़ी जनाबा वास्ते ये बड़िया जनाबा दी तो मुताखरीन वास्ते पता की गल करना हम नोट कर इस गल तो कोड़ो बना के ना करी क्यों कोड़ो भी बना के करेगा तो बन देंगे हमले अगर कुरान दे वाकया तो पहले मारे जाते ते सुनिया दा इल्मे कलाम ना उन्हों का जनाजा होंदा ना मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन होंदे और कमलिया तू अली दे दैन की जाने अली ने ते लोगों नू माफ करके ते दुआ दे ते जनाजे दे ते कब्र दे काबिल बना दे
बड़े मनाजर का दावा नहीं करता, लेकिन एक तालबेल मोन की हैसियत ना मैं अर्ज करना कि जितनी रियायत असीमत करने हैं ना, जितनी भी रियायत करने हैं, मौला अली भी रियायत का सबका है। कहोगे क्यों? इस वास्ते के कुरान का ये हुक्म है, दी कुरान का ये हुक्म है कि अगर जायज हकदार अमीरुल मोमिनीन के खिलाफ कोई ग्रोह भी बगावत करेगा ते अमीरुल मोमिनीन और लश्कर इस्लाम इस्लामी हुकूमत के दिफा के अंदर जंग करेंगे कदों तक कातिलुल लती तबगी हत्ता तफीया इला अम्रिल्लाह फइन फाअत فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا وأقسطوا إن الله يحب المقسطين اور قبلیا مولا علی نو تو حکم ہے کہ حکومت اسلامیہ دے خلاف جڑا آگے مار سکو اللہ اللہ بغاوت ہے قرآن تبغی حکم قاتل مار دیو علی مرتضیٰ کس واسطے روک سکتے ہیں تلوار اپنی مسئلہ نازک ہو گیا ذرا بیان کرنا किस तरह रोक सकते अपने अपने अपनी मर्जी ना रोक भी नहीं सकते क्योंकि अल्लाह का हुक्म है मारो कातिलू अल्लाह की तबगी जिसने लश्कर तुहाडे मुकाबले आंदा मार दियो एक दो दस ने भी ने मार दियो कातिलू अल्लाह की तबगी छोड़ो या तो मार के छो या तफीया इला अम्रिल्ला या अल्लाह दे हुक्म नू सौंपे अपने आप नू पहुंचाए के ना मारो मैं अल्लाह दा हुक्म मनना वा जिवें अल्लाह दा आर्डर सुनाओगे मैं उंज करांगा ते रसूलल्लाह ने फरमाया अली मेरिया उंगलियां विचों तक ना सिफीन दा मैदान फरमाने में तक ना बया फरमाया ए दस नेजियों ते कुरान कह चढ़े ए तो फलाना ए हमारे ए मुबीर है सिंहाड़े नहीं सिंहाड़े ने फरमाया मोहम्मद बिन अबी बकर मालिक बिन उस्तर इस वक्त हजरत मौलिया के हाथ में जड़ी चोरी है कुरान की इस रंग की अली मौला तू खैमे बेचे सामने खड़े हाँ रंग तू दसना फिर मैं दसा जी मोहम्मद ने रंग सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह वाह सुभान अल्लाह फरमाया जब तक के इधर गल हो जाए उस वक्त जनरल नहीं तू मेरा शरीके अमर है मैं तेनु रब को मंग के ले जिवे मूसा ने हारून मंग के ले हारून आखिर सुब ही आदरी वाशरी को भी अमरी नबी ने तू मगर मोहम्मद का शरीक अमर है मोहम्मद रसूलल्लाह के दीन में शरीक अमर है ते उस वक्त ड्यूटी जनरल दी ना करी ते ना नीयत ते शुमे करी क्यों इस वास्ते कि तेरे नाल उन्हां दा ए मेरे नाल जिन्हां दा झगड़ा तंजील ते तेरे नाल तावील ते करनगे ते तावील ते जदों झगड़ा करन अली बन के नहीं मोहम्मद बन के सोची और मैं
सुभान अल्लाह, वाह 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 शाही या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, सिर्फ हजरत अली कुछ खास मकाम आते हैं उनके हिसाब से हुजूर जो उनकी नात और फजीलत बयान करते हैं वो मौका आने वाला है कि मोहम्मद होना पड़ेगा उनको। मिजाज, फितरत, शाकिला, अब हम ये लोग बोले तो कहते अच्छा अच्छा बुरा नहीं पा रहे ये तो खत्म हो टूट गई मैं कह इतनी काली नहीं भी टूट गई है कि जिन टूट गई है तो सब की वो तो की किरदार वो तो 1908 दी चल रही है भाई तेरा बच की किरदार है सिवाय वजीराबाद बंगले पाने दे वो तो की किरदार एक नहीं टूट दी क्यों कि इधर उत्ते खड़े ना पहला दिन दिन पे क्यों फरमाया खत्मे नबूवत ना होती तो फिर हारून जी मेरा तू है इब्राहिम मेरा पुत्र है तो जेकर हजरत याकूब का पुत्र नबी होंगे तो इब्राहिम में मोहम्मद भी नबी होंगा खत्मे नबूवत सलाहियत नाल अगर कोई नबी होंगा तो उमर नबी होंगा सही इदा मतलब है वे के फैसला सलाहियत नाल नहीं रब्बी फैसला है कि मैं ताजदार खत्म नबूवत ते खत्म नबूवत दा रब ने ताज भी इको बनाया तो ताज दा मेचा भी दे एक सिर दा ले है जेड़ा सिर अब्दुल्ला ने तो रेख दे वाह 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 समझ आई जे सैयद मुकद्दमे दी मेरी एक गल ने और सोने एक गल कर लें अल्लाह खुश रखे कर और सैयद जी नू प्यार करे ओदा बेड़ा तर जांदा है और सुनियो खास मकाम ते मैं बोल रहा गौर करना बंदे सानू आदे ने हजरत अली की वजह तो क्यों आख दो अमीर मुआविया को असं मनने नबी पाक के सहाबी ने मैं तो नबी पाक के सहाबी होने तो बाद सिफीन बाद में हुई ना सहाबी हो चुके सन तो इस मौका पर बगावत के मौके के उत्ते एक आयत बोल दी भी का तेलू मार दो तो छड़िया जे जे समझो वह अल्लाह के हुक्म से आ गए Hallelujah!
एक बारी सरकार ने माफ किया ते रजी अल्लाह वानो किया ते दूजी बारी तुहानू मस्जिद में चुना दे ना लैण दे काबल रहण दिते ते अली मौला दी खैरा ते सुभान अल्लाह वानो ना शरीक दी कसम है उस मौके ते अगर मैं हैसियत ए नुआ मौत हो जाती ना फातिहा होता ना दरूद होता ना जनाजा हो सकता उस हस्ती की इज्जत नाल आज भी उस नियो जेड़ा ना ले सकता खैरात अली मौला दे दरबार वाह 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 या अली या अली फरमाया मालिक और मोहम्मद कौन मोहम्मद फरमाया नीयत ते शक ना करो क्यों तो तुस आज वेखे मैनू तो हुजूर भी खा गया छोड़ जा हुण कोई समझ आई तो मैं क्यों आना कहनी मौलद कंधे ते बोझ त्रै चार मौलवी बिल्कुल बेतुके जै टीटके आदने इरवान शाह पता नहीं किसी बोली बोलता है अली बोला ने कदिया ते किधर खिलाफत दबो जे मैं क्या ना होता ते एक मनाजरा ते तुम्हें तो मोमदी पुरिया नाल कर लेते हो अली तो बगैर क्या कहते क्या कहते कोई आ वो क्या वो ना मैदान बंदे अब से लड़ाने कोई नहीं कम मौलवी हैं मैं तो अगे तक दस अली तो बगैर अगर उन्होंने मुनाजरा घंटा भी तू भुगत जाए घंटा भुगत जाए सिर्फ तेरी जबान बन छी अली का नाम हो रहना कर मुनाजरा अले सुनत या कहानी सबक कर जाए ना तो मुंह मंगा मैं नाम दिया ओए अली तो बगैर साहबा की अदालत साबित ही नहीं हो तेन पता की तू सड़क बैठे समझ आ गई जी लो आखरी हदीस पाक पेश कर रहे हैं तो गुफ्तगू खत्म मैं शाह साहब किबला नूं घंटा अर्ज किया सी ते हुण दो दे भी मेरे ख्याल दो तो उत्ते हो गए टाइम यानी दो रात ने नहीं घंटे जो तकरीर करते हो गए मैंने कोई मसला नहीं मैनू मैं बीमार जरूर हाँ पर अंदर मेरा बीमार नहीं मैं मर्द समझना जे फिर कलू में मर्द हो गए थे तो जे कलू के अंदर मर्द नहीं इंशाल्लाह खैर ही खैर सुन्नी भाईओ आखिरी हदीस बात की दी अल्लाह दे हबीब दे हबीबा हजरत आयशा सिद्दीका दी रिवायत आखिरी पेश कर रहे हैं जामे तिरमिज़ी विचों साना जी वो तो यार मंगवानी होने मैं कह मंगवाने शिकवाने की आदत ते मंगने की है तो आन असी सैयद पर अल्हम्दुलिल्लाह हदिया कोई पेश करे तो ये सुन्नत है सरकार दी और 28 सिपारे कुरान में लिखे है ये भी मैं कल भी आ गया सैयदी मुर्शदी या नबी या नबी सैयदी मुर्शदी या नबी या नबी गुलाम है गुलाम है रसूल के गुलाम गुलाम में रसूल में बहुत भी रसूल है और आयश में मुस्तफा जिंदगी रसूल है और जो अंदर हदीय दी जेडी तारीफ सरकार ने फरमाई है लेकिन की फरमाया
ਤੁਹਾਡੇ ਆਦਤ ਆਪਣੀ ਨਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਕੈਫੀਅਤ ਇਹ ਕਿ ਕੌਮੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਕੇ ਵੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਅਫਸਰ ਸੀ ਵੋਟ ਪੋਲ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਉਹਦਾ ਆਪਾ ਮਰ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕੁੱਲਾਂ 'ਤੇ ਆਏ ਆ ਕੌਮੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਜਿਸ ਇਤਜ਼ਾਜ਼ ਹਾਸਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲਾਹੌਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਖਲੋ ਗੱਡੀ ਦੇ ਕੋਲ ਖਲੋ ਰਿਹਾ ਉਹ ਬੰਦਾ ਆਖੇ ਬਈ ਮੌਲੀ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਆਖਣ ਲਓ ਖਲੋਤੇ ਨੇ ਗੱਡੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆਖੇ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਬਾਪ ਮਰਿਆ ਮੈਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਅਤੇ ਮੌਲੀ ਸਾਹਿਬ ਬਣ ਜਾਣ ਉਹਨਾਂ ਆਖੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਜਸ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਆਖੇ ਪਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੌਮੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਲੜੀ ਹੁੰਦਾ ਸਿਰਫ ਵੋਟ ਪੋਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਦਿਹਾੜੇ ਜਿਹੜਾ ਖਰਚਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਾਂ ਗੱਲਿਆ ਸੀ ਆਖੇ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਆਖੇ ਹੁਣ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਬਿਜੂਆ ਕੌਮੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤਾਂ ਨਾ ਲੜਾਇਆ ਕਰ ਜਿਹੜੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਅਫਸਰ ਵਾਸਤੇ ਪਿਓ ਦਾ ਫਾਤਿਹਾ ਵੀ ਕੁੱਲੇ ਦਾ ਪੜਨ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਔਕਾਤ ਦੇ ਬੰਦੇ ਸਹੀਦਾ ਨੇ ਮੈਂ ਆਖਦੇ ਨੇ ਈਰਾਨ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਤੂੰ ਤਾਂ ਈਰਾਨ ਦਾ ਨਾਂ ਸੁਣਿਆ ਤੂੰ ਤਾਂ ਈਰਾਨ ਦਾ ਨਾਂ ਸੁਣਿਆ ਕੰਜਰਾ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਮਸਜਿਦ ਹੈ ਈਰਾਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਾਜ਼ ਉੱਥੇ ਤਿਰਮਜ਼ ਉੱਥੇ ਤਿਰਮਜ਼ੀ ਸਾਦਾਤ ਬੈਠੇ ਇਹ ਸ਼ਿਰਾਜ਼ੀ ਸੱਜਣ ਬੈਠੇ ਸ਼ਿਰਾਜ਼ ਕਿੱਥੇ ਖੁਰਾਸਾਨ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ਹਦ ਕਿੱਥੇ ਤੂਸ ਪੁਰਾਣਾ ਨਾਂ ਖੁਰਾਸਾਨ ਵਿੱਚ ਖਵਾਰਜ਼ਮ ਕਿੱਥੇ ਖੁਰਾਸਾਨ ਵਿੱਚ ਬੁਖਾਰਾ ਕਿੱਥੇ ਖੁਰਾਸਾਨ ਵਿੱਚ ਤੈਨੂੰ ਹੁਣ ਨਾ ਆਇਆ ਮੇਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਤੇ ਨਾਵੀਂ ਸਦੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 500 ਸਾਲ ਰਹਿ ਕੇ ਉੱਥੇ ਅਤੇ ਹਿਜਰਤ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂ ਉਹਨੇ ਇਸ ਗਰਮ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕਿਉਂ ਧਰਮ ਦਰ ਹੋਏ ਸੈਦ ਔਰ ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ ਹੋਏ ਉਠਾ ਤਾਰੀ ਇਸਮਾਇਲ ਸਫਕੀ ਹੁਕਮਰਾਨ ਨਾਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸਾਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਹਬਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਕਿਉਂ ਕਿ ਨਵਾਂ ਆਰਡਰ ਆ ਗਿਆ ਸਫਵੀਆਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਬਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਨਾ ਲੈ ਈਰਾਨ ਨਵਾਂ ਈਰਾਨ ਜਦੋਂ ਬਣੇ ਨਾਵੀਂ ਸਦੀ ਦਾ ਕਿੱਸਾ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੇ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ 100 ਕਿਤਾਬ ਔਰ ਵਾਦਾ ਉਲਾ ਸ਼ਰੀਕ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ ਇਹ ਸਭ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਹੜੇ ਹਿਜਰਤ ਕਰਕੇ ਨਾਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਇਹਨਾਂ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਇਮਾ ਪਾਕ ਦੀ ਔਲਾਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਅਕੀਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਇਮਾ ਹਲੇ ਬੈਤ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਜਿਹਨਾਂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਆਇਮਾ ਹਲੇ ਬੈਤ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਅਸੀਂ ਵਤਨ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਸ਼ੇਰ ਪੜ੍ਹ ਸਕਣਾ ਅੱਧਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਦਿਨ ਗਾਉਣ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ ਬੁੱਧ ਹਮ ਕੋ ਕਹੇ ਕਾਫਿਰ ਅੱਲਾਹ ਕੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਸੂਰਜ ਪੇ ਲਗੇ ਥੱਪਾ ਫਿਤਰਤ ਕੇ ਕਰਿਸ਼ਮੇ ਹੈ ਬੁੱਧ ਹਮ ਕੋ ਕਹੇ ਕਾਫਿਰ ਅੱਲਾਹ ਕੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਓਏ ਕਬਲਿਆ ਇਹਦੇ ਜਾਗੀਰਾਂ ਨੇ ਤੂੰ ਸ਼ੀਰਾਜ਼ ਦੇ ਤਿਰਮਤ ਦੀਆਂ ਸਾਦਾਤ ਦੀਆਂ ਜਿੱਥੇ 500 ਸਾਲ ਕੱਢੇ ਦੀ ਕਸਮ ਹੁਬੇ ਸਾਹਬਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਈਰਾਨ ਛੱਡੇ ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉੱਥੋਂ ਜਾਗੀਰ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਸੀ ਇਹਨੇ ਹਜ਼ਰ ਉਂਦਲ ਸੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਅਲ ਮਖਰਜ ਉਠਾ ਕੇ ਦੇਖ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਲਿਖੀ ਮੌਜੂਦ ਇਬਨੇ ਹਜ਼ਮ ਦੀਆਂ ਜ਼ਾਹਿਰੀ ਇਹ ਗੱਲ ਲਿਖਦਾ ਕਿ ਸੈਯਦ ਜ਼ੀ ਰੁਤਬਾ ਸਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਇਤਬਾਰ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਮਸਲਕ ਤੇ ਦੀਨ ਵਾਸਤੇ ਈਰਾਨ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਔਰ ਖੁਰਾਸਾਨ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਔਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰ ਗਏ ਵਰਨਾ ਉਹ ਛੱਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਬੰਦੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਕਿਵੇਂ ਸਨ ਅਜੇ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਰੰਗ ਵੇਖੋ ਇਹ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ ਵਾਲੇ ਲੱਗਦੇ ਜੀ ਸੈਯਦ ਦਾ ਰੰਗ ਵੇਖੋ ਬਕਦਾ ਪਿਆ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਗੁੱਸੇ ਬੁਖਾਰੀ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ 500 ਸਾਲ ਆਇਆ ਅਜੇ ਬੁਖਾਰੀ ਮੱਖਦੇ ਹੋਣ ਪੈ ਤੇ ਪੁੱਛਣਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਬੁਖਾਰੀ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਬੁਖਾਰਾ ਉਸ ਮੁਕਸਤਾਨ ਗੈਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਬਿਜਲੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਕਿੱਥੇ ਫਸ ਗਏ ਤੂੰ ਰਾ ਕੇ ਕਹਿ ਜਾਏ ਜਾਂ ਨਾ ਜਾਏ ਬਿਜਲੀ ਜਾਏ ਜਾਂ ਨਾ ਜਾਏ ਸਹੂਲੀਅਤ ਵੇਖਾਂ ਜਾਂ ਮਹਿਬੂਬ ਦੇ ਜਨ ਸਾਰ ਦੇਖਾਂ ਬਿਜਲੀ ਆਵੇ ਜਾਂ ਜਾਵੇ ਗੈਸ ਰਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਰਵੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਰਹਿਣ ਜਾਂ ਨਾ ਰਹਿਣ ਰਿਆਸਤਾਂ ਸੈਦਾਂ ਰਹਿਣ ਜਾਂ ਨਾ ਰਹਿਣ ਤੁਸੀਂ ਆਖ ਸੋ ਆਪਣੀ ਮੁੱਟੀ ਗੱਲ
बयान कर दिया इब्ने हजम अंदलुसी दी अल मफारस में दिखाना मेरी जिम्मेदारी है। मेरा बाबा सैयद अहमद खान अमीर अब्दुस मशहद में चुंजे नहीं रंगा गवर्नर सी पोतरा हजरत हारून बिन मूसा बिन जाफर दा पोतरा तुलुसा गवर्नर सी ते सैयदा आके आसी नबी दे यार नहीं छड़ने कोठिया बंगले छड़ लेकिन किताब भी हाल इस्तेमसार चो नहीं पे दसदा जामे तिरमजी जामे तिरमजी आला जना के रहना ईरानी नहीं खुरासा नहीं है असी भी ईरानी नहीं खुरासा नहीं है खुरासान है जेड़ा आठ जिले हूं भी आठ वलायत जिले वलायत आखते अफगानिस्तान है बदखशान तो लैके बलख तक आठ जिले हूं भी ए खुरासान है ताजिकिस्तान है उज्बेकिस्तान है काजिकिस्तान है तातारिस्तान है थोड़ा जहा हिस्सा ईरान में भी शामिल है ये सारा मुल्क साडा खुरासान पा के जिथे असि आए हैं साढ़े बुजुर्ग आए हैं सियादी कुतुब में मौजूद ने फरमाने ने मारा आई तो आहादन अशबाह बे रसूल अल्लाह मिन फातिमा आयशा दी आखा ने किसे नूमी फातिमा तो बढ़ के रसूल अल्लाह दे अशबाह नहीं देखे फरमाया संतन मशियत कलाम सूरत में सीरत में चलने में बैठने में अरे जाहिर में बातिन में सारे मेरी अपनी चार बेटियां ने ते धियां पुत्र बाप ते होंदे रहंदे मगर उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा ने सूरत की गल बाद में कीती हादिया ने पहले कीती और सूरत ते पुत्रां दे भरवटे बाप आर होंदे रहंदे ने ठोडियां बाप आर होंदियां रहंदियां ने हड्डियां बाप आर होंदियां रहंदियां ठीक है होंदियां
ਕੁਲਰ ਦੀ ਅੱਡੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਇਹ ਅੱਡੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਔਰ ਇਸ ਮੁਲਕ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਪਹਿਚਾਣਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਚਾਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਲੋਕੀ ਦੀ ਨਸਲ। ਔਰ ਆਲੇ ਜਾਫਰ ਵਿੱਚ ਅਜ਼ਰ ਜਾਫਰ ਸਾਡੇ ਦੀ ਔਲਾਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੁਲਕ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਅੰਨੇ ਨਾ ਸਮਝਿਆ ਕਰੋ ਉਹ ਜੰਗਲ ਖਾਲੀ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਲਮ ਕਿਆਫਾ ਜਾਣਦੇ ਲੋਕ, ਅਕਸਰੀਅਤ ਨਾ ਜਾਣਦੇ ਲੇਕਿਨ ਅਕਲ ਜਾਣਦੇ। ਸੁਣਿਓ, ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਹੱਡੀਆਂ, ਮੱਛੇ ਦੀ ਹੱਡੀਆਂ, ਕੰਨਾਂ ਦੀ ਸਾਖ, ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦੀ ਮਾਂ ਤੇ ਬਾਪ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ, ਪਰ ਇੰਜ ਦੀ ਕੌਣ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦੀ ਹੱਦ ਜਾਂ ਸੀਰਤ ਵੀ ਅੱਬੇ ਬੰਦ ਹੋ ਤੇ ਅੰਬਾ ਵੀ ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਅੱਬਾ ਨਹੀਂ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਲਾਲਾ ਹੋ ਕੇ ਨਾ ਸੀ। ਅੱਬਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਫੁਲਕੇ ਅਜ਼ੀਮ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤਬਸਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਖਦੀਜਾ ਤੋਂ ਕਮਰਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਵੱਖਰੇ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ। ਅਜੇ ਗੌਰ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਤਬਸਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਖਦੀਜਾ ਤੋਂ ਕਮਰਾ ਪਾਕ ਹੋਣ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋ ਇਸ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਲੈਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਇੰਜ ਨਾ, ਉਹ ਹਕੀਕਤ ਵਾਲੀਆਂ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਇੰਜ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਕੱਢ ਛੱਡਿਆ ਕਿ ਫਾਤਿਮਾ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਬੋਲਣੀ ਹੈ ਹਦੀਸ ਤੇ ਬੋਲੇਗੀ ਆਇਸ਼ਾ। ਕਿਉਂ ਕਿਉਂ? ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਉਹ ਤੇ ਪਰਦੇ ਵਾਲੇ ਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਕਿਉਂ? ਜਿਹੜੇ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਤੁਰਦੇ ਆਪ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇ, ਗੱਲਾਂ ਆਪ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬੋਲਦੇ ਆਪ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇ, ਸੂਰਤ ਆਪ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਸੀਰਤ ਆਪ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਤੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਵਕਤ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮਰਦਾਂ ਤੋਂ ਤੇ ਅੱਗੇ ਹੈ ਹੀ ਪਰਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਫਿਰ ਮਰਦ ਰਿਵਾਜ਼ ਕੌਣ ਕਰਦਾ? ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ? ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ 2-4-10 ਵਾਰੀ ਜ਼ਿਆਰਤ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਬੰਦਾ ਵਿਆਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਵਸੀਰਤ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਇੱਕ ਅਰਸਾ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖੇ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਮਰ ਮੋਮਿਨ ਆਸ਼ਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਜਾਮੇ ਤਿਰਮਜ਼ੀ ਕਿਤਾਬ ਇਮਾਮ ਬੁਖਾਰੀ ਦੀ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਦੂਸਰੀ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਫਿਕਰ ਪਈ ਹੈ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਬਲਾ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਆਲੇ ਅਲੀ ਨੇ ਤੱਕੇ ਮਰਸਲ ਮੈਦਾਨ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਐਸੇ ਹਾਲਾਤ ਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰੇ, ਅਸੀਂ ਸ਼ੌਕ ਨਾ ਰੱਖਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹਨੇ ਸੁਨਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਾਜੜ ਪਈ ਨਾ ਤੇ ਹੈਦਰ ਦੀ ਔਲਾਦ ਸੀ, ਮੈਂ ਥੱਕ ਕੇ ਹਰ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਰਤ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਪਰ ਖਤਮੇ ਨਬੂਵਤ ਦੇ ਮੌਕਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜੁੱਬੇ ਪਾ ਕੇ ਨਸ਼ੇ ਬੰਦੇ ਤੇ ਐਸੇ ਮਰਕਜ਼ ਤੋਂ ਖਤਮੇ ਨਬੂਵਤ ਦੀ ਅਜ਼ਮਤ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਿਆ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਜੀ, ਤੇ ਹਰ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਆਲੇ ਹਜ਼ਰਤ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਇਹ ਪੈ ਬਣੇ ਤੇ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਅੰਜੇ ਬੁਨਾ ਸਿਆਣਾ ਪੰਚਾਇਤ ਜਿਹੜੀ ਪਿੰਡ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਆਦੇ ਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਦੱਸ ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਕਿਹਦੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਆਲੇ ਹਜ਼ਰਤ ਮੇਰੇ ਨਾਰਾ ਨਹੀਂ ਸਬੂਤ ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਹਜ਼ਰਤ ਇਮਾਮ ਜ਼ੈਨੁੱਲ ਆਬਿਦੀਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਠੜੀ ਆਬਾਦ ਕੀਤੀ ਨਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ, ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਕੋਠੜੀਆਂ ਮੀਆਂ ਗਲੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵੀ ਗਵਾਹ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਹਜ਼ਰਤ ਪੀਰ ਮਹਿਮੂਦ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਗੁਜਰਾਤੀ ਰਹਿਮਤੁੱਲਾ ਤਾਲਾ ਅਲੈਹ ਨੇ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਕਾਲ ਕੋਠੜੀ ਜਾ ਕੇ ਆਬਾਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਖਤਮੇ ਨਬੂਤ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਤਾਰੀਖ ਸ਼ਾਇਦ ਹਰ ਮੌਕਾ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਪਿੜੇ 'ਚ ਕਹੇ ਅਸੀਂ ਐਸੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਮੁਤਾਖਰੀਨ ਸਾਹਿਬਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉੱਠ ਕੇ ਲੜ ਪਈਏ ਨਿਕਲੋ ਬਣਾ ਤੇ ਮੁਤਕੱਦਮੀਨ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਮੁਤਕੱਦਮੀਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨੀ ਬਦਾ ਤੁਮ ਨਿੰਨੀ ਅਸ਼ਬਾਹ ਬਿਨ ਰਸੂਲ। ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਮੌਲੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਇੰਜ ਦੰਦਨ ਪਈ ਹੈ ਨਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਾਇਜ਼ ਹੋਵੇ ਕਿਉਂ
कि मौलवी बड़े काबिल ने। मैं कह काबिल इतने ही आने पहलो खरीद वास्ते मैं इन्होंने आख्या कि मना दे तुसी करो। खुदा बाद शरीक की कसम मैं इन्ना कह मैं सैयद हाँ छो मैं आप करो गल आदि ने सानू कमजोरी है जरा सी नहीं कर सकते तो थोड़ी कमजोरी तो जानी ही नहीं उदो भी कमजोरी आई तो असं दूर की थी। ठीक है अज ती उस लाइन से बोल रहा है तो मैं क्या उस लाइन से याद कर ली जी पक्की तो हूँ ये भी याद करो क्यों कि अगला सबक भी हूँ याद करो ना। अगला सबक है वेख जे मुताखरीन वास्ते लड़ सकने तो बदायतुल रसूल हजूर जी को अहब अहब और मैं पूरी गल अगर अर्ज करा वक्त ज्यादा लगेगा सिर्फ एक जुमला एक जुमले का तर्जमा सिर्फ और सिर्फ आले दिल नु कहवा दिल भी इस वेले बंदे हौली हौली एंजन करा लग पे लेकिन तकड़े होकर जरा यह माना सुन लेना। इस हदीस पाक का एक लफ्ज सिर्फ बयान कर हादी अंदलन कलामन संतन ये सब कुछ अगर मैं अर्ज कर दी किमें इस्तेमाल कर दूसरे भी अर्ज कर दी। ठीक है अज लसहा फी मजले से ही इस जुमले में सुनो सिर्फ अल्लाह के हबीब जो हज़रत खातून ने जन्नत आंदी तो उठ के खड़े होते ना तो फिर उन्होंने किसी भी जगह उत्ते आप नहीं फरमाते वो उत्थे बह जाओ उत्थे जन्ना जितों आप उठे ने ना अज लसहा बिठाते उनको फी मजले से ही अपनी जगह पर आगे जागते हो पै तो सुन लो ही मजले से ही मुताखरीन वाला मसला मैं तुम्हें इस पर ना मुताखरीन वाला मसला इस पर अर्ज करना कि मुतकद्दमीन भी तुसी या साबिकून वाला बलूग में समझते किनों पांच साल की उम्र में सैयदा पाक ने नबी करीम अलैहिस्सलाम के कंधे मुबारक तो कुफार ने जी आग किधर रखी है उतारी तो छे तो सात तो अठ की उम्र में आपने तीन साल बाइकाट मक्के वाले का शेब अली तालिम में हुजूर के नाल रह के कटे और दसो साबे कुमर मलूम अगर समझ आई है तो सुभान अल्लाह कह दो नहीं आई कर सकना तीन साल कोकड़ा है कि इस निस्बत से अगर कोई व्यापी करे कसदन करे तो हो सकता है कुफर। अच्छा इस पर मेरे साबित की जाए कि नबी पाक अलैहि सलाम की तोहीन बिना कसद भी करे तो कुफर है ते जिमें नबी पाक की तोहीन बिना कसद भी कुफर है इंजे जुज़्वे रसूल ने बदा तो मिली बिना कसद भी उन्होंने तोहीन करे तो कुफर समझे। ये रियायत दे रहे रियायत ये तो जायज है अगर सौ साल ये मसला बयान करते हैं नबी खता नहीं करते हम लौड़ पै गई कहते नबी भी खता करते तो मैं आखे फिर जे कमजोर ईमान के मासन छापते रहे हो वो सारे कि मथे हम मड़ने जी सारे बंदे कापियां वापस लै लीजिए उन्होंने अगे तो यह खूबी होंगी सी भाई युखा दे अल्लाह या इनल मुनाफिकी ने युखा जो खा दे तर्जमा नहीं मकर मकर तर्जमा नहीं ये सौ साल तो इस पर लाया नहीं पहले हूँ पुठी फेर दी जी कि हूँ तर्जमे करने ना सर पर कमलिया ये मसला मुदर्रसीन ने सिर्फ मुदर्रसीन का वो भी एच पेच कट के रख दी और ये सैयदा का करम है मेहरबानी समझना मैं कि ये इन्हें बेईमाना से चाहे मैं शान बैठा लागे हालांकि वल्लाह ये बासा किताबी सूरत से ना आईया पर जो सैयदा के हाथ आई ना तो ये हाथ आए मैं जो और बोलो तो वट ना कट के कर दी तो मौला अली के पुत्र आखिरी में सुना अर्ज करना
कि जेड़ा आका नु पसंद है ना अपनी जगह ते उन्हां नु बिठाना। सुभान अल्लाह। हर मुसलमान अदबो एहतराम दे इतबार नाल ए अकीदा क्यों लिखया गया कि जिवें बिला कस्त फी तौहीन हुजूर दी कुफर है इंजे जुज़्बे रसूल दी बिला कस्त तौहीन भी कुफर है। इसे वास्ते लिखा गया कि कमली वाले आका उन्होंने बारे ये फरमाते हैं कि मैं जो कुछ देख रहा उन्होंने उस नज़र नाल तुसी देख अदबो एहतराम दे। एक गल मुके ही पूरा मौजू जरा मैं अर्ज करना चाहता सर ज़्यादा डबल टाइम लग गया लेकिन आखिर चो एक मेरी आदत है बगैर तबसरे तो एक गल सुनाना क्योंकि ये बड़े बड़े इतने जुगादरी रेंदे ने तो ना कह गए यार तुम सारे उम्र का कोई कभी किस उन्मान से सुनते हो कभी किस उन्मान से सुनते हो तो की फायदा होया बिच मसला उन्होंने शान बुलंद भी बयान हो गई तो रात ला आए हो तो लगता तो की आखस जो अपना अपना बयान देना जो जरूर दे ले लेकिन मेरे वाली गल भी दोहराया जी जरूर यानी तुम अकलमंद हो अल्लाह का फजल है थोड़े तो जो आप करना जो जवाब दे लिया जे लेकिन मेरा भी मशवरा भी शामिल करें जे क्योंकि हदीस पाक जामे तिरमिज़ी में नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मन अहब्बा हाज़ैन या अनिल हसन व हुसैन अबाहुमा व उम्महुमा कान माई फी दरजती फिल जन्नत। जेड़ा मेरे हसन नाल हुसैन नाल अली नाल फातिमा नाल मोहब्बत रखेगा मैं मोहम्मद रसूल का वादा करना कि जन्नत विच मेरे दर्जे विच दिन कियामत दे मेरे नाल जाएगा। कमरे भरे पे जितनी इतने इतनी बरतानिया रखी है ये नहीं गल कि किताबा च नहीं लेकिन सानू उधार तां लैना पवे जे सुन्नी बंदे ना होने ना तो जे सुन्नी पंजन बाद नू आप मनदे ना तो उधार रिवायतां लैने की कोई जरूरत नहीं सदा अपना इल्मे कलाम है सारा और फजाइल की फरमाया हुजूर ने कान माई फी दरज थी। एक मौलवी मैनू कहन लगा मंडी फुलर मान लेता फजल इलाही उहदा नाम सी बड़ा पुराना देवबंद पढ़िया मैनू कहन लगा तू तो शाह दे पुत्र है ते तैन पता नहीं कि हजूर का दर्जा तो जन्नत में एडा उच्चा है पर नबी भी उस दर्जे वालों इंज वेखणगे जिवें जमीन ते खड़ा बंदा आसमान के तारे वेख ले ते हसनैन करीमैन दे मुहिब उस दर्जे टुर जाण ते अंबिया तो थले रह जाणगे ते मैं हुण जवाब अलहमदुलिल्लाह उत्थे दे के भी आया क्योंकि बंद वाह है शायद 35 साल बजुर्गों के फौत होने जो होया भी जो कट गए ने अजय शायद उन्होंने हवाले सुना करो ना मैं तो बजुर्गों के अगे खलो के भी 17 साल उन्होंने तरावियां पढ़ाई 2 साल जुमा भी पढ़ाया बजुर्गों ने। हाँ मेरी गल समझते हो पे तो मैं नक लगा शाह पुत्र हो गए तेन पता नहीं उस दर्जे में जा तो नबी थले रह जाएंगे वो दर्जा एडा उच्चा है। मैं जवाब दे के फिर बुजुर्गों को पूछे आके मैं क्या हजरत मैं तो जवाब दे पर तू तो सभी वास्ते जनाब में पूछना पर कोई हो सकता है और हीरा मोती लभ जाए मैंने फरमान तो चलो मुख्तसर जाएगा जवाब है कि दर्जा इस उम्मती का नहीं जरा हसनैन करीमैन का आशिक है दर्जा तो है हजूर का हैसीयत गुलाम हसनैन करीमैन दे जिथे बादशाह आका रहते उल्ला देखो ना आसने उन सैयद नाक पढ़ी थोड़े सामने सोहनी पढ़ते लेकिन इतने जो बैठे आके बिल्कुल करीब आके बह गए इस तो मेरे नाल ही मार खाता होंगे पिछु सब मेरी भी कुट खाता होंगे बुढ़े सैयद नाक सफर करना इंजे जिमें किसी तंदूर से बह जाए समझ आई क्योंकि उन्होंने तबीयत में चेक होने ना चेक चेक
ओ मैं इतने ओ पिछला बंदा ये अपने ही गुराया डस्के तो आया उस्मान ते ये भी नहीं आके कबर मैं मैं ते आया यार उन्होंने मोहब्बत में तू अट पिछा बह आ गया चलो तो बैठा है क्यों उन्होंने पता है ते ये अपनी गलत नहीं चढ़ा हुआ है ये पीछे नाल टुरे कई दिहाड़िया मेरे अब्बा जी फरमान लगे कि बादशाह होता तख्त उत्ते बैठा है तो उन्होंने पत्था चलन आई वो कोल खड़ोता तो वजीर थले कुर्सी होती पर थले बैठा वजीर उस मु कभी भी नहीं झिड़किया पर तू क्यों उत्ते चढ़े हाँ तू अस वजीर हाँ तो तू तो क्लास फोर है तो तू कितने जा के खड़ा है क्यों तुम पता है मैं अपनी हैसीयत में नहीं खड़े आ बादशाह के गुलाम की हैसीयत फरमाया जे जानना उमटी अपने दर्जे ताए सवाल पैदा होंगे तो नबियों उन पर कितने चले गए जे दर्जा हो वे नबी पाक ते नबी पाक अर्ज करते ने अपने रब दे सामने मासनो हुसैनो अली और फातिमा तो बगैर मेरा घर मुनव्वर ने सुभान अल्लाह याद खान ने पढ़े है ना नबी दे आश्रय ने अजर कितना पुड़ी गया बल्कि मुफ्ती साहब मिसाले बेचारे उनकी एंजने जो कोई थोड़ी नहीं होती।